bounds. Assalamualaikum, तो कैसे आप लोग? Hopefully सभी ठीक ठाक होंगे, क्लास होंगे. तो welcome back to another vlog. तो यार अभी सुबह का टाइम है, पहले की तरह इतनी भी सुबह नहीं है, 10:15 का टाइम हो गया. अभी उठ गया था, एसएन भी उठ गया था और अभी जा रहा हूँ भाई एसएन का एडमिशन करवाने. मैंने कहा चलो व्लॉग का स्टार्ट ले लेते हैं ना. इधर से कोई 7-8 किलोमीटर दूर एक कॉलेज है. तो अभी ये डॉक्यूमेंट सारे पकड़ लिए, इसके इकट्ठे कर लिए हैं. नाश्ता भी कर लिया था, फ्रेश भी हो गए थे, तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते. एसएससी का जो है ना एडमिशन इसका करवाना, बाकी तो आपको पता है प्रैक्टिकल एक होगा. अभी दो रह रहे हैं प्रैक्टिकल इसके 10th के एग्जाम के बाद. और जो बिना एग्जाम देने के बाद लाहौर, वो भी एडमिशन में पास हो गया है, वो भी कैडेट करेगा और इधर नहीं करेगा, आउट ऑफ सिटी करेगा. अच्छी बात यार, पढ़ने के लिए कहीं भी जाना चाहिए. रेडी शेडी हो गया सन भी, ये चेक करो कटाई हुई है. अब आ जल्दी आ यार. 15 मिनट फाइनली, कुछ 15 मिनट बाद पहुंच गए थे. अभी अभी चेक करो कॉलेज का व्यू, यूनिवर्सिटी ब्लॉक सामने नजर तो आ रहा है. और अभी अप्लाई करना है, बस फॉर्म फिल करना है. ए फ्यू मोमेंट्स ओए होए, आज क्लास में हां कलाएगी. ये भी मौसम सारा खुश्क था यार, अचानक से जो है ना बड़ी बड़ा लगता है. बड़ी बड़ी ओए, काफी हद तक बारिश बंद हो गई और ये बंदे वेट में खड़े हैं जाने के लिए. और डॉक्टर साहब भी खड़े हैं इधर, हमारे सीनियर भी बंद भाई हो गई. जाना है? वाह 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 वाह, नजारा आ गया यार. Early the next morning. सुबह सुबह का टाइम ऐसा ना, आपने जैसे देखा अभी घर चला गया, मैं भी जा ही रहा हूँ. भी आप कह रहे होंगे भाई सीधा बारिश के सीधा इधर कैसे आ गए? इस वजह से कि बारिश होगी, तो उसके बाद एक तो काम था मिले नहीं है. मैंने कहा मैं फिर सोच में रहा चलो नेक्स्ट डे का बनेगा. बिल्ला भी इधर नहीं है, जेब भी नहीं है यार. जेब को मैं भी कह रहा यार, अगर जेब देख रहे हो तो डेट तो बताओ यार, नीचे कब आ रहे हो? उन लोगों को भी पता चले, मुझे भी पता चले, तभी निकलते हैं. और जाने से पहले ये नजर मारो कि कटाई हुई है. और ये जो क्यारी बनी थी ना भाई, इधर कोई फूल टिकते ही नहीं है. पूरी क्यारी भरी हुई थी, आप लोगों को पता है, येलो ग्रीन पिंक वाइट सारे लगे हुए थे, लेकिन एक भी नहीं बचा है. बड़ी दफा लगा दी. बिहार निकलते यार, फ्रेश होके आता वापस. घर वापस आ गया था, नाश्ता भी कर लिया था, रेडी भी हो गया था. फाइनली गया था वेली. ये ऐसा जा रहा है वो गाड़ी से कुछ सामान लेने. धूप यार बहुत ज्यादा गर्मी हैवी. अभी यार 1-5 मैंने धुलवा दिया, काफी गंदा हुआ था. आप देखो अभी ये टूट गई यार, कोई गल नहीं. अनी कारक तेरी सेहत नहीं. तो अभी बिल्ला तो आया नहीं, ऐसा अकेला इधर है और मैं हूँ. दोनों ने क्या करना है, सेती कश्मीर बैठा हुआ ऑलरेडी यार. क्या हाल है? वालेकुम साहब. क्या हाल है? ठीक हो? सेटिंग चेंज हो गई यार, बड़ी गल है. तुम आए थे नहीं सेटिंग चेंज? लाइट ऑन करी थी, दरवाजा बंद, लाइट ऑन, कैमरा एक्शन, बटन बंद कर. ही बदमाश बने हैं. टेस्ट लगे हुए हैं भाई, किस चीज़ के लगे हैं? अनुमान हेपेटाइटिस के टेस्ट लगे हुए हैं, हेपेटाइटिस BC के परफॉर्म हो रहे हैं. ये जो था ना इधर था, और ये बेड जो था ना वो उधर था. और ये जितना वजनी है ना, और सारा सामान ऊपर से उतार के करना पड़ता है, अंदर भी भरा हुआ है सामान. जी कौन? ये गड्डी भरी, ये जान के भर दी भाई साहब. तू जान के भर दे सही, तोते लवाने ने गटर दे विच तेनू. मैं रात को मैं इधर बैठ के मूवी देख रहा था, वो मेरी अभी पेंडिंग थी, ऐसा करते वो शुरू करते हैं. बाहर तो धूप है ना, अभी जाने का कोई सीन नहीं है.
जब पेशेंट आएगा बंद कर देंगे। ये बेचारा का जो है ना एक्सीडेंट हुआ था तो आंखों से अंधा हो गया, और आंखों से अंधा होने से पहले इसने किसी लड़की को देखना था। अब ये लड़की चली जाएगी, इनके भाई आएंगे इसकी सेवा करने के लिए, इनका इसका ख्याल रखने के लिए। ये भी पूछ रहा है इसका फ्रेंड, जब तो तेरी अगर ठीक हो नहीं है तो सब तो पहले किनू वेखेगा, तीनों नहीं पता कितने होनी है इस टाइम। वो कहते जितने मर्जी हुई मैं वेख लांगा, बस तुम मैं अखा सही कराओ मेरी। के आ गया यार डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला कि भाई ड्राफ्ट है, कुछ 3 दिन ड्राफ्ट डाल लें उसके बाद ऑपरेट होगा। ऑपरेट के लिए चाहिए 60 लाख रुपए, और अब ये रेंज करेगा 60 लाख का। कभी कभी अपने चाचे को कॉल करेगा, कभी ताए को करेगा, कभी कजन को करेगा, कभी किसी यार दोस्त को करेगा। सारों ने मना कर दिया था, किसी ने भी जो है ना जो भी 60 लाख का सुनता था वो कॉल ही बंद कर देता, बेचारे का जो है ना दिल ही तोड़ दिया यार। अभी काल आ गई कि यार अब्दुल्ला स्कूल में गिर गया, बड़ा सा जाना टेरा चलने लग गया, अगर तो निकलता हूँ जाके पहले उसे छोड़ के आता हूँ, बाकी बाद में देखते हैं। हाँ ये कितने लगी है वो सीधी करना, दूजी तो सीधी करना की हो गई यार, किन्नी की लगी ज्यादा दिन ना। हाँ उठ के चली जरा बैग रख, इसका वावा ही मसला हो गया, इसकी दूसरी टांग के ऊपर वजन नहीं पड़ रहा, वजन ही नहीं पड़ रहा, मुझे लग रहा है कोई जैतून का तेल वो होगा, उसकी थोड़ी मालिश करेंगे सेट हो जाएगा। A few moments later. अभी दोपहर का खाना खा के वापस मैं हॉस्पिटल आ गया था यार, बहुत बुरा हुआ उसके साथ, बेचारा काफी लग गई, लेकिन एक साइड पे वो कैच पकड़ रहा था और दूसरी साइड से फुटबॉल खेल रहा था बच्चा, वो इसे आगे लग गया है, और काफ़ी वो भी तेज़ था, ये भी थोड़ा सा तेज़ था, तो काफ़ी मसला, वो तो बच गया लेकिन इसे लग गई है, काफ़ी ज़्यादा लग गई है। टेंशन भी बन गई यार, क्योंकि सबसे छोटा लेकिन जैतून के तेल से ना मालिश की जाएगी थोड़ी बहुत, अगर उससे मजीद ना एक दो दिन बाद फ़र्क पड़ा तो फिर चेकअप करवाना पड़ेगा यार, मसला ज़्यादा बढ़ ना जाए, अल्लाह करे कि यार ठीक हो जाए जल्दी। है सबसे छोटा है तो घर की रौनक बच्ची होती है। खैर बाय द वे बहुत आज के लिए वीडियो अच्छे लगे हो तो भाई मेक श्योर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके अगर आप चाहते हैं कि टाइम टू टाइम व्लॉग आपको पहुंचते रहे, भाई नीचे सब्सक्राइब का रेड बटन है, व्लॉग वगैरह हो जाएगा तो सब्सक्राइब हो जाएगा, बस छोटा सा इतना सा काम है। नेक्स्ट जैसे मैं न्यू व्लॉग अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।